नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज रोजगार से जुड़े समाचार में हम बात करेंगे बीपीएससी, ईएसआईसी, यूपीपीसीएल, आरएसएम, एसएसबी, यूकेएम, एसएसबी, ओएसएससी, सीजीपीएससी, इंडियन आर्मी, तेलंगाना हाईकोर्ट, एनआईए, एनबीसीसी, असम राइफल्स की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है एसोसिएट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 107 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स ऑफ प्लानिंग या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स रिमोट सेंसिंग में या जीआईएस में, स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज या मास्टर्स इन प्लानिंग में या मास्टर्स इन टाउन प्लानिंग में या फिर मास्टर्स इन रीजनल प्लानिंग में या मास्टर्स डिग्री अर्बन प्लानिंग में या फिर मास्टर्स डिग्री सिटी प्लानिंग में या मास्टर्स इन कंट्री प्लानिंग या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो पुरुषों को 21 से 37 साल और महिलाओं को 21 से 40 साल। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को ₹750, एससी एसटी महिला अभ्यर्थियों को ₹200। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आखिरी तारीख 6 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिटेंडेंट। इन पदों के लिए कुल मिलाकर 93 पदों पर आवेदन मांगी गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम में और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। 21 से 27 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं इन पदों के लिए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को ₹500 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। एससी एसटी पीएच को ₹250 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के ही कुल मिलाकर 25 पद पर आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। उम्मीदवार का 18 से 40 साल उम्र सीमा में होना अनिवार्य है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को ₹1180, एससी एसटी को ₹826 और पीएच को ₹12 देने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान सब ऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आरएसएमएसएसबी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है लाइव स्टॉक असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1136 है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिर अभ्यर्थियों के पास 1 या 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स लाइफ स्टॉक असिस्टेंट के रूप में काम करना भी जरूरी है। 18 से 40 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को ₹450 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इसके अलावा ओबीसी, एनसीएल और एमबीसी को ₹350, एससी एसटी बीपीएल को ₹250 देने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूकेएमएसएसबी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मेडिकल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 256 है। वहीं डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा और नेचुरोपैथी है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री आयुर्वेदिक में, यूनानी में या योगा और नेचुरोपैथी में होना जरूरी है। 21 से 42 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं आवेदकों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओएसएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है इंस्पेक्टर ऑडिटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 233 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। 21 से 38 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹200 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ossc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC रायपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मेडिकल स्पेशलिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 458 है। वहीं डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, ऑर्थोपीडियाक्स, रेडियोलॉजी, सर्जरी और साइकियाट्री है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST OBC को 300 रुपए और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 400 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 21 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर अंडर इंडियन आर्मी रुड़की की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है LDC, स्टोर कीपर, सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर, कुक, वॉचमैन, गार्डनर, सफाई वाला, लस्कर, वॉशरमैन, बार्बर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 52 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का मैट्रिक पास होना या 10+2, टाइपिंग का ज्ञान होना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना, 10+2 सर्टिफिकेट कोर्स के साथ स्टोर मैनेजमेंट में या फिर मैट्रिक ITI में या मैट्रिक और इंडियन कुकिंग का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 11 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप indianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 173 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 34 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC को 800 रुपए, SC ST को 400 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 4 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.hc.ts.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 67 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या ग्रेजुएशन में डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 56 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 6 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.nia.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन NBCC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर डेप्यूटी जनरल मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 81 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री या डिप्लोमा सिविल में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 28 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जूनियर इंजीनियर पद के लिए 500 रुपए, डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं SC ST PH को भी कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 14 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.nbccindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम आखिर में बात करेंगे असम राइफल्स की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है राइफलमैन, राइफल वुमेन, जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 104 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का केवल मैट्रिक पास होना जरूरी है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 28 साल है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC को 100 रुपए और SC ST महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.assamrifles.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार से जुड़े समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।